नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पर। आज आप लोगों के लिए और कुछ नए जॉब ऑप्शन के साथ वापस आए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो इसमें हम बात करने वाले हैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से कुछ नई भर्तियां निकाली गई हैं, तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे इस जॉब से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी एज लिमिट एंड इसका जो कि यहाँ पर कुछ और आप यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातें रहने वाली हैं उन सब पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। एंड चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे भी सेट जरूर से करिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ओवरव्यू के बारे में। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एनएलसी जैसे कि बताया नीवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, इसकी तरफ से यहाँ पे ये भर्तियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। एंड जो पोस्ट नेम है यहाँ पे ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे पोस्ट यहाँ निकाली गई है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 210 यहाँ पे रहने वाली हैं। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इसके लिए ज़रूर से अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको मिल सकता है एक अच्छी खासी जॉब करने का मौका। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो यहाँ पे नंबर ये चीज़ आप देख सकते हैं। एंड आगे हम यहाँ पे जो कि मेन चीज़ रहने वाली है वो है एप्लीकेशन स्टार्ट डेट। तो ये कब स्टार्ट हो चुकी है, ये 24 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है एंड ये 6 नवंबर तक रहने वाली है। 24 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आपके पास टाइम रहेगा, तो इसके बीच में आप कभी भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट जो कि एनएलसी की वेबसाइट रहने वाली है, अगर आपको ये चाहिए तो आप हमारे चैनल को हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ से आपको इजीली लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको इजीली विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पे कुछ के बारे में बात कर चुके हैं, एक बार फिर से यहाँ पे जान लेते हैं। तो स्टार्टिंग डेट जैसा कि आपको लोगों को बताया कि 24 अक्टूबर से यहाँ पे 6 नवंबर तक रहने वाली है। एंड डेडलाइन हार्ड कॉपी सबमिशन की रहने वाली है। जो हार्ड कॉपी सबमिशन करनी होगी उसकी लास्ट डेट यहाँ पे 13 नवंबर तक रहेगी, शाम 5 बजे तक। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो कि कैंडिडेट लिस्ट जो कि निकाली जाएगी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए, वो 21 नवंबर तक यहाँ पे निकाली जाएगी। एंड देन जो कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन डेट्स है वो 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में यहाँ पे आपकी वेरीफाई किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोविजनल सिलेक्शन यहाँ पे जो कि होगा 7 दिसंबर को। एंड जो कि रिपोर्टिंग डेट्स जो भी करना होगा आपको, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो भी रिपोर्टिंग आपको डेट दी गई है यहाँ पे 11 तारीख दिसंबर में आपको दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स, तो यहाँ पे किस किस पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं एंड उनकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, इन चीज़ों पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट के लिए बात कर लेते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के बारे में, जिसमें कि टोटल 181 पोस्ट रहने वाली है। एंड इसकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पे किसी भी एक रेलिवेंट डिसिप्लिन या फिर किसी भी आपके पास कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए इससे रिलेटेड, इस फील्ड से रिलेटेड आपके पास अगर कोई भी डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर से कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिस, तो इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एंड इसके लिए टोटल 29 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात यहीं पे कर चुके हैं ऊपर टेबल में। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं एज लिमिट की, जो कि आपकी एज लिमिट अभी यहाँ पे अभी बताई नहीं गई है। यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप के रूल्स हैं तो उसमें यहाँ पे मेंशन अभी अच्छे से नहीं किया गया है, तो ये यहाँ पे अभी कोई यहाँ पे स्पेसिफिक लिमिट नहीं बताई गई है। तो इसके बारे में अभी आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो कि अदर रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं, कैंडिडेट शुड एनश्योर डेट दे मीट ऑल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स मेंशन इन द ऑफिशियल नोट। सो यहाँ पे नेक्स्ट ये बताया गया है कि आपकी जो और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है आपको वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वहाँ पे सब मेंशन कर दिया गया, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं एंड वहाँ से आप एक एक चीज़ वहाँ पे से वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप उन सब चीज़ों को वहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, अगर मीट करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को, तो आप इसको यहाँ पे फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं इसको फॉर्म को फिल करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, इसमें आपको बताएंगे कि आप इसके लिए एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, इसमें आपको बताएंगे कि आप इसको खुद से ऑनलाइन कैसे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, आपको बता दिया गया आप ऑफिशियल वेबसाइट हमारी लिंक से हमारी वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया, आप यहाँ पे एक क्लिक में ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन, तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर कर लेना है, जो कि टाइम लिमिट दिया गया उसके उस टाइम लिमिट के अंदर ही आपको ये रजिस्टर करना है एंड एप्लीकेशन अपने फॉर्म को फिल करना है। तो रजिस्टर करने के बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है, जैसे कि आपका कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपकी प्रूफ ऑफ एज हो गया, एज का आपका प्रूफ एंड कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो कि वहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे वो आपसे वहाँ पे मांगेगा, तो वहाँ पे अपलोड करने के लिए आएगा। तो वहाँ पे आपको वो चीज़ें अपलोड कर देनी है सारी की सारी। एंड देन वहाँ पे आपको सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, तो वहाँ पे आपको हार्ड कॉपी सबमिशन कर देनी है जिसकी लास्ट डेट है 13 नवंबर। तो तब तक आप इसकी हार्ड कॉपी को भी सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे
सिलेक्शन प्रोसेस तो जहाँ पे सबसे पहले आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, आप मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी जिसमें कि आपकी जो भी डिग्री आपने वहाँ पे अपलोड की हुई होगी या जो भी आपने वहाँ प्रोवाइड कराई होगी उस डिग्री के बेसिक पे, उसके बेसिस पे आपको वहाँ पे मेरिट लिस्ट में जो भी अच्छा परफॉर्म करा होगा उसमें जिसके परसेंटेज अच्छा आए होंगे तो उनको वहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, जो भी टॉप के उसमें कैंडिडेट्स होंगे। देन वहाँ पे जो भी सिलेक्टेड होंगे मेरिट लिस्ट में जिनका नाम होगा उनको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कि वो उनके सारे सर्टिफिकेट वेरीफाई किए जाएंगे, उसकी सारे वैलिड है इनवैलिड है हर एक चीज़ वहाँ पे चेक की जाएगी। एंड देन उसके बाद आपको जो भी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन को क्लियर कर लेते हैं उनकी डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा एंड ज्वाइनिंग भी उनकी हो जाएगी, जो कि यहाँ पे डेट दिखा दी है, बता दी गई है 7 दिसंबर तक यहाँ पे ये सब चीज़ें पोस्ट हो जाएगी, जो जो सिलेक्टेड होगा एंड ज्वाइनिंग जो भी वहाँ पे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको 7 दिसंबर तक आ जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टिपेंड एंड ट्रेनिंग ड्यूरेशन। सो यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो होंगे उनके लिए जो दोनों ही जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस एंड टेक्निकल अप्रेंटिस हैं यहाँ पे उनके लिए कोई यहाँ पे अभी कुछ यहाँ पे बताया नहीं गया। आप वहाँ पे इनकी मेन वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ पे उनकी पॉलिसी के हिसाब से उनके रूल्स के हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हैं कि कितना वहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं, आपको रेंज आइडिया है आपको वहाँ पे से पता लग जाएगा कि किस रेंज से किस रेंज तक आपकी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा एंड आपकी ट्रेनिंग के ईयर कितने होने वाले हैं, कितनी टाइमिंग का कितना ड्यूरेशन आपकी ट्रेनिंग में लगेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेनिंग ड्यूरेशन यहाँ पे बता दिया गया कि 1 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग ड्यूरेशन आपका लगेगा, 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी एंड जिसमें कि जो भी आपको पर मंथ प्रोवाइड कराया जाएगा वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे की पॉइंट्स टू रिमेंबर, आप ये चीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। डॉक्यूमेंट सबमिशन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बताया गया है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फॉलो डेडलाइंस, सो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो कि आपको पहले ही बता दी गई हैं वो चीज़ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है की पॉइंट्स से, तो आप इनको एक बार ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट में यूजफुल लिंक्स, अगर आपको ये अप्लाई करना है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिंक चाहिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है उसके लिए लिंक चाहिए या फिर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है उसके भी लिंक आपको अगर चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट हिंदी में विकी पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड देन यहाँ पे इजिली आपको लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।